अभी मेरे साथ मौजूद है इंडियन नेशनल आर्मी के वेटरन भारती सहाय चौधरी जी। मैम, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आज एक अनाउंसमेंट हुआ है कि इंडियन नेशनल आर्मी के 4 वेटरन रिपब्लिक डे में परेड में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये तो बड़ा अच्छा रहा। मैं सबको को याद रखना चाहिए कि किस तरह से आज़ादी फौज नेताजी के गवर्नमेंट नेताजी के आज़ादी इन किस तरह से आज़ादी के लिए लड़े और आगे बढ़ते रहे। ये तो है। अब उस समय तो लड़ाई बंद हो गई थी क्योंकि जापान सरेंडर कर दिए थे, एटम बम गिरा था। लेकिन फिर नेताजी हमेशा यही बताए हैं कि आज़ादी मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, तुरंत मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। आपसे कभी नेताजी का बात हुआ था? जी हाँ, नेताजी से हमेशा बात होती रही। वो हमेशा आखिर में बात हुई है तो बोले, वही बोले कि वो हम लोग को मालूम नहीं था कि नेताजी का एक्सीडेंट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हमको सुनाई दिया तो वो बोल के बोले कि डरोगी नहीं ना। बंगाली में कभी बात नहीं करते थे, लेकिन उस समय हमेशा हिंदुस्तानी में बात करते थे, हिंदी उर्दू मिक्स हिंदुस्तानी में। तो उसके बाद हमसे वो थोड़ा चले जा रहे थे जो बोले कि बंगाली में तुम ही भय करबे ना। तो हमने कहा कि आमी भय करी ना। तो माँ मेरी माँ के बारे में ऐसे हो छोटी में तो छोटी की बेटी है ना, इसीलिए कहने के बाद माई मदर ऑल्सो वॉज वेरी वेरी ब्रेव लेडी। इसे तभी तो हमको उसने भेजे। जी, टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।